श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज फिर से अघोर कथाएं, कुछ दिन के ब्रेक के बाद। ये एक ऐसा प्लेलिस्ट है जिसको सबसे ज्यादा आप लोग सुनते हैं और ये अच्छा है क्योंकि इन अघोर कथाओं से आपको पता चलता है कि एक अघोरी क्या क्या अपने साधना क्रम में झेल सकता है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। आज जो मैं आपको कथा बताने वाला हूं ये उस कालखंड का है जिस समय मैं अघोर साधनाएं नहीं करता था। उस समय मैं प्रचंड तांत्रिक साधनाएं करता था और दुर्गा सप्तशती कंठस्थ था, तो माँ भगवती देवी दुर्गा की असीम कृपा हो तो ऐसे भी किसी भी तरीके का जो प्रेत बाधा है वो आपको हो नहीं सकता, तो बड़ा कॉन्फिडेंट था। कहानी की शुरुआत तो वहीं हुई थी जो आप लोगों को एक मैंने एक वीडियो में एक कथा बताई थी कि मैंने गांव में अपने सामने एक भूत को देखा और एक मिनट तक देखता रहा और समझ नहीं पाया कि वो क्या है। वहां से एक मेरी यात्रा शुरू हुई ये जानने की कि भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, इंटर डायमेंशनल एंटिटीज क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज क्या होता है, यूएफओ क्या होता है, मतलब जो चीज जितने तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है सब पर अध्ययन मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन प्राइमरी उसमें जो शोध का विषय था वो भूत थे, तो मैंने इसकी पढ़ाई भारत में होती नहीं है तो अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट से इसमें सर्टिफिकेशन की और आगे की पढ़ाई की। तो यंत्रों के द्वारा हम भूतों का पता लगाते थे। हमारे एक मित्र थे, अब नहीं रहे, गौरव तिवारी, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो गौरव तिवारी की टीम में हम साथ काम करते थे। मैं साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग उनके लिए काम करते थे, मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने हिसाब से काम करता था क्योंकि मैं खुद को बहुत बड़ा प्रचंड तांत्रिक समझता था उस समय भी। तो जब भी कुछ उल्टा सीधा हो तो मुझे और मेरे एक आधा और मित्र को आगे कर दिया जाता था कि आप देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जब आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं तो आपका पहला सिद्धांत होता है कि आप स्केप्टिक होते हैं। स्केप्टिक का मतलब किसी चीज पर जल्दी विश्वास ना करना, किसी भी चीज को इतना साइंटिफिक तौर पर थोक बजा लेना कि आप किसी भी असामान्य घटना को सामान्य घोषित कर दो। बिल्कुल ना कर पाओ तो फिर बोलो ये सुपरनेचुरल या अननेचुरल या फिर पैरानॉर्मल इवेंट है। इसी क्रम में मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी। देखो, जब किसी को भूत प्रेत लगता है तो 99.99% ऐसा चांस होता है कि वो व्यक्ति नाटक कर रहा है। वो नाटक कर रहा है काम ना करने के चलते, पढ़ाई ना करने के चलते, या फिर लोगों का अट्रैक्शन पाने के चलते उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये एक सिद्धांत है, मेरा नहीं, ये एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को मानते हुए और ऐसा मानते हुए कि लोग अपने फेलियर्स के लिए पैरानॉर्मल इवेंट्स को या देवी देवताओं को गलत ठहराते हैं, उनका प्रकोप मानते हैं, ब्लैक मैजिक को दोष देते हैं, खुद कर्मठ नहीं होते, ये भी एक सिद्धांत है और यह सत्य है। हम लोग मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन करते थे, ठीक है। तो उसी में कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई कि मुझे लगा कि अब शायद आध्यात्मिक तौर पे मुझे और मजबूत होना चाहिए। एक बार एक घर था सात बहनों का, ठीक है। ऐसे भी हिंदू समाज में क्या है कि सात बहन हो सात भाई हो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं लोग, वो अपने में एक शक्ति होती है, सात भाई और सात बहन हो ना। और एक बड़ा
सघर था। और उस घर में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, किसी का कपड़ा फट जाए, किसी के कबड़ में आग लग जाए, कुछ भी सामान्य उस घर में नहीं चल रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि घर का कोई सदस्य ही बदमाशी कर रहा है घर के लोगों को परेशान करने के लिए, स्केप्टिक माइंड। और हम ये किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का आज के डेट में मानसिकता है कि वो अगर किसी सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल जगह पर जाते हैं तो उनका पहला उद्देश्य होता है कि उस जगह को क्लियर प्रूफ करे, मतलब वहां पर कुछ नहीं है। ये सिद्धांत लेके चलते हैं, वो ये सिद्धांत लेके नहीं चलते हैं कि आपको उस जगह पे क्या है इसका पता करना है। ये है एक साइकोलॉजी। तो हम उनके घर पहुंचे और दिमाग में था कि कोई ना कोई तो इस घर में बदमाशी कर रहा है और उसका हम पता लगाएंगे आज। ऐसा हमने पहले किया था। एक बार एक उत्तराखंड का मामला था, उसमें जिस व्यक्ति ने मुझे फोन किया या जिस व्यक्ति ने उस समय सोसाइटी को फोन किया, उसने बताया कि भाई हमारे यहाँ बहुत खतरनाक प्रेत का वास है, किसी के सर के ऊपर चावल, किसी के सर के ऊपर अंडे, किसी के सर के ऊपर सिंदूर, ऐसा जो है वो डाल देता है। और आज आपसे पहले जितने भी तांत्रिक आए वो चाहे तो भाग गए और या फिर वो मर गए, बोला मैक्सिमम मर ही गए। तो मैंने बोला ये तो बहुत बुरी बात है। तो केस आया हमारे पास, हमने उसको 2-3 बार उससे कहानी सुनी कि क्या होता है क्या होता है क्या होता है। फिर मैंने बोला कि आप अपने घर में अनाउंस कर दो कि जो तांत्रिक हैं वो कल आने वाले हैं। उसने ऐसा ही किया। फिर एक अनाउंसमेंट मैंने थोड़ी देर बाद उनको फोन करके बोल दो कि अब वो अगले सप्ताह आएंगे। और जैसे जैसे मैं क्रम बदलता गया, जिस तरीके से वो व्यक्ति अपने घर में बोलता गया, घटनाएं बदलती गई और अंतोगत्वा हमने पकड़ लिया कि उसके घर में जो बहू थी वो चाहती थी कि घर में कुछ अशांति फैले। तो वो एक लंबी कहानी कभी और सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा हम करते थे जिससे कि पकड़ में आ जाएगी कौन बदमाशी कर रहा है। तो हम चले गए वहां पर पूरी तैयारी के साथ। अच्छा, ऐसे में हम लोग पहले भी फंस चुके थे। एक बार हम ऐसे ही किसी इन्वेस्टिगेशन को करके लौट रहे थे तो हमें पता चला कि कोई लड़की पर प्रेत का साया है। हम बड़े हंसे कि चलो जरूर इसको ज्यादा काम करवाते होंगे इसलिए नाटक करके घर में बैठी है। और हम चले गए, हम और तिवारी दोनों। गेट खुला तो उसके फैमिली वाले बड़े डर गए हम लोगों को देख के, बोला सिर्फ 2 आदमी आए हैं आप लोग? हम लोग, 2 ही लोग काफी हैं। जब ऊपर गए तो वो लड़की बिल्कुल अपने प्रचंड रूप में थी, बाल बाल खोल करके एकदम जी हॉरर शो। हमें बोला कि आ गए तुम लोग? हमने बोला हाँ हम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। जो चलता है, जो भूत झाड़ने में जैसा चलता है वैसे ही चल रहा था। हम लोग भी साइकोलॉजिकल वॉर के हीरो ही थे। तो देखोगे देखोगे, हाँ दिखाओ, देखने ही आए हैं। और वो लड़की दूसरे मिनट में सिर्फ एक रॉड के सहारे खड़ी थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हम फंस जाते थे ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इस घर में जब आए हम आए तो हमें लगा कि अब यहाँ पर खोजना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे घर को परेशान कर रहा है। हम लोगों ने जितने तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है सब लगाया, क्योंकि पहले तो यह तय करना था कि अगर हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, क्योंकि हेलुसिनेशंस बहुत तरीके के होते हैं। कभी कभी कुछ घर का ऐसा बनावट होता है कि वहां आप जाएंगे तो आपको चक्कर आएगा, कुछ घर का ऐसा बनावट होता है, ऐसा वेंटिलेशन होता है कि आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी लाइटिंग के चलते, एक्वेरियम के चलते। कुछ चीज़ों के ऐसी बना घर की बनावट ऐसी होती है कि चीज़ें सुनाई देने लगती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होता है उससे हम लोग जाँच कर रहे थे। तो हम लोगों ने पूरा घर का जाँच किया, 6 घंटे तक ये जाँच चली और एक भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें नहीं चला।
तो हम लोगों ने आकर के फिर खुद से बात किया कि हाँ देखो ये तो हम जानते ही थे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ये हमें पता ही था, यहाँ कुछ है ही नहीं तो फिर क्या। और घर वाले कहानी सुना रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से प्रेत आता है, ऐसे ऊपर धम धम करता है, नीचे धम धम करता है, ये सामान वहाँ, जो कहानियाँ होती हैं भूत घर की वैसी कहानियाँ। हालांकि अच्छा उनकी कहानी अच्छी थी क्योंकि वैसी चीजें होती थी, उसमें से दो बहन शादी करके चली गई थी, उनके घर में भी होने लगा था। खैर कोई बात नहीं है, तो फिर जो अंग्रेजी तरीका होता है उससे उस घर का क्लियरेंस हुआ, उसको एनर्जी शील्ड बोलते हैं, वो क्रिएट कराया जाता है लोगों का, सब एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ करके उसके बाद बोलते हैं कि जो भी शक्ति हमारे घर में वो चली जाओ क्योंकि इस घर का आधिपत्य हमारे पास है। ये मेटाफिजिकल क्लियरेंस होता है, जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं अपनी शक्ति को मानते हैं उनसे ये करवाया जाता है। उसके बाद एक रिलीजियस क्लेंजिंग भी होता है, तो भाई वहां पे तो ओम फट स्वाहा चलना नहीं था, सात लोग थे पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर, तो एक स्मज स्टिक आता है, जब उसको जलाओगे तो गांजे का गंध आता है तो वो स्मज स्टिक था, लेकिन बोला गया आप घर पे आए हैं तो थोड़ा साफ कर दो, तो मुझे बोला गया कि भाई आप तो मंत्र वंत्र बोलते हो तो आप स्मज स्टिक से ही साफ करो। मैंने बोला ये इससे तो होता नहीं है, हमारा दूसरा है, बोला नहीं इससे कर लो। तो मैंने भी सोचा कि चलो कर लेते हैं। उस घर में जितने लोग थे वो सारे हॉल में आके बैठ गए, सिर्फ एक बच्चा था जो कि हैंडीकैप था, वो अपने रूम में रहता था, छोटा बच्चा था 10 साल से कम का, और वो पीछे का जो दरवाजा था जिस रूम से खुलता था उस रूम में रहता था, उसकी देखभाल सभी करते थे, वो खुश रहता था, वो बोलता बोलता भी नहीं था और सिर्फ मुस्कुराता था। तो हम लोग 2-3 बार उसके कमरे में गए थे इन्वेस्टिगेशन करने, तो वो बस मुस्कुराए, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, हम लोग भी मुस्कुरा के चल देते थे। तो सारे घर का हमने क्लियरेंस किया और उसके बाद अंत में होता यह है कि एक जगह से शुरू करके घर के बाहर तक स्मजिंग जाता है। तो मैंने छत से शुरू किया था, सामने वाले दरवाजे से करते हुए, सारे कमरे से करते हुए, उस बालक के रूम में मैं घुसा ताकि बाहर की गेट की तरफ स्मज को फेंक सकूं। जैसे उसके रूम में घुसा वो फिर मुस्कुराया और बड़ा जोर मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कुराहट में ना कुछ और ही बात थी। मैं मंत्र पढ़ता हुआ अपना बढ़ गया, जो भी मंत्र पढ़ रहा था, अब तो ध्यान नहीं है, उस समय तो बालकों वाले मंत्र थे, उस समय तो हम साबर मंत्र पे हंसा करते थे और उस गेट को खोल करके जब मैं स्टिक को बाहर फेंकने की तैयारी में था तो मुझे लगा कि मेरे पीछे आके कोई खड़ा हो गया है। तो मुझे लगा हो सकता है कि टीम का कोई व्यक्ति आके खड़ा हो, लेकिन जो खड़ा हुआ था ना वो भयंकर दे दशा का मालिक था, मालिक था नहीं, मालिक थी, क्योंकि जब अपने आंख के कोने से मैंने पीछे दिखा ना, तो जिसने हैरी पॉटर देखा तो हैग्रिड एक कैरेक्टर है, तो उसके सिर्फ बाल दिख रहे थे और कुछ लाल साड़ी की तरह उसने धारण कर रखा था। मैं स्तब्ध खड़ा रहा, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं पीछे तो भाग नहीं सकता था, आगे घर खत्म हो रहा है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अच्छा, इस ये पीछे के दरवाजे के बाद उनका स्टोर रूम था, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कूद के बाहर भाग जाऊं। फिर मैंने मन में बोला कि भाई जो भी हो, गलती हुई मुझसे, है ना। 2 मिनट के बाद, ऐसा 2 मिनट प्रतीत हुआ, हो सकता है कुछ सेकंड के बाद ही हुआ हो, वो पीछे से चली गई। मैं तुरंत मुड़ा, वो बच्चा अब पूरा मुस्कुरा रहा था कि देख, मतलब ऐसा ना कि औकात समझ में आई तुम्हें। और मैं वहां से वापस गया, उन लोगों से बात किया कि देखो ऐसा ऐसा इस घर में है, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमें ऐसे बिना तैयार हुए नहीं आना चाहिए। वो बाई चांस मेरा आखिरी इन्वेस्टिगेशन था उन लोगों के साथ। उसके बाद मैं अघोर में आ गया और खुद को इतना प्रचंड बनाया कि ऐसी अगर आत्माएं मेरे आसपास आए तो वो खुद विलुप्त हो जाएं। आज के लिए इतना ही, तैयारी के साथ जाएं जब भी ऐसी जगहों पर जाएं, वरना जान नहीं बख्शती ये जो चीज़ें हैं, ये जान नहीं बख्शती आपकी। जिनको बेसिक साधना सीखनी है मेरे साथ, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। ये एक पेड ग्रुप है, इसमें साधना का जो शुरुआती क्रियाएं हैं वो हम आपको सिखाते हैं।
ऑनलाइन कोर्स होता है। जिनको मेरे आगामी कार्यक्रम के बारे में जानना है वो www.aghortantra से पर जाएं। जिनको डायरेक्ट बात करनी है कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें rudranath@cm4 सर्च करें। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी को सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाक आदेश।